गाइज तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ ओ का है और गाइज आज रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें ड्रीम टीम एक्शन में देखने को मिली, जहां पर मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड WWE के अंदर पहली बार शिंसुके नाकामुरा के साथ टीम अप करते गए। और गाइज आज रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें नाकामुरा, रॉलिंस और कोडी रोड्स पहली बार WWE के अंदर जजमेंट डे को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इस मैच के अंदर आज हमें करीबन 15 मिनट का सॉलिड एक्शन देखने को मिला। और गाइज यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही कोडी रोड्स और सेट रॉलिंस के बीच में हमें डिस आर्गुमेंट देखने को मिलते गए, जिसके बाद कि शिंसुके नाकामुरा इन दोनों को अलग करते गए। और गाइस नाकामुरा मैच को स्टार्ट करते गए, जहां पर मैच के स्टार्ट के ऊपर ही शिंसुके नाकामुरा और फिन बेलर आमने सामने होते गए। बट गाइस इसके बाद डेमियन प्रीस्ट टैग करके अंदर आ जाते गए, जिसके बाद कि डेमियन प्रीस्ट को भी पीछे छोड़ के डोमिनिक मिस्टीरियो टैग करके अंदर आते गए। और गाइस मैच के ओपनिंग के ऊपर आज हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और नाकामुरा के बीच में जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके बाद आज इस मैच के अंदर हमें मैच के ओपनिंग पर नाकामुरा बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई देते गए, क्योंकि गाइस जजमेंट डे के एक एक मेंबर रिंग में आकर नाकामुरा को बीट डाउन करने लगते गए। और गाइस मैच के शुरुआती कुछ मिनटों के अंदर आज यहां पर जजमेंट डे पूरी तरह से कंट्रोल में होते गए। बट गाइस यहां पर जैसे ही एक बार मैच के अंदर रॉलिंस टैग करके अंदर आते गए, तो गाइस रॉलिंस पूरे मैच के अंदर आग लगा देते गए। और गाइस आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें बेबी फेस की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिसके बाद के मैच के एंडिंग के ऊपर कोडी उनका फिनिशर क्रॉस कट कोडी कटर हिट करने की कोशिश करते गए। तो गाइज वहीं नाकामुरा डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर ब्रूटल किनशासा हिट करते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स बैलर के ऊपर उनका फिनिशर क्रॉस रोड हिट करते गए, जहां पर कोडी के क्रॉस रोड के साथ कोडी रोड्स मैच को जीत जाते गए। और गाइज शो के एंडिंग के ऊपर सैमी जेन रिंग में आकर कोडी रोड्स, शिंसुके नाकामुरा और सेट रॉलिंस के साथ मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेलिब्रेट करते गए।